अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू लाइफ ऑफ क्वीन। तो सैटरडे को मेरी ग्रेजुएशन थी, जैसे आपने ग्रेजुएशन का व्लॉग देख लिया होगा। उसके बाद संडे को बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे मुबारक देने, और वैसे भी कोई मेहमान वगैरह आए हुए थे। मैं कहूँगी मुझे मुबारक देने आ रहे सारे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और भी बहुत मेहमान आए थे। तो उसके बाद आज मैंने सैटरडे संडे को इतना खा लिया कि आज मैंने रियलाइज़ किया था कि आज मैंने कुछ भी नहीं खाना, और आज मैंने बहुत लाइट खाना है। तो आज का दिन की शुरुआत हम इस तरह करेंगे कि हम थोड़ा कम खाएंगे, क्योंकि मैंने सैटरडे संडे को बहुत 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 ज़्यादा खाना खा लिया। और मेरा, मैं किस दिन आपको अपना पूरा बताऊंगी कि मेरी जर्नी क्या है, मैंने किस तरह वेट लूज़ किया। मैं पहले बहुत ज़्यादा मोटी होती थी, मैंने अराउंड 55 kg लूज़ किया है। मैंने किस तरह किया, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताइएगा, मैं वो वाली वीडियो भी आपको अभी बना के दूँ। आज के दिन का प्लान ये है कि आज हमने मेरी कज़न की डांस प्रैक्टिस प्लस ढोल के उधर जाना है, और फिलहाल बस नाश्ता वगैरह करते हैं, देखते हैं दिन हमें कहाँ लेकर जाता है। और यहाँ चाय मेरी पक रही है, और इसके साथ साथ मैं बनाने लगी हूँ फ्राई अंडा। उफ, तेल मैंने वीडियो में देखते देखते बहुत ज़्यादा डाल दिया, लेकिन चलो अब हम इसको थोड़ा सा पूरे पैन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तब तक यहाँ पे इलायची वाला दूध पक गया था, अब पत्ते ऊपर डाली गए। तो इस तरह ही बनती है चाय, और यहाँ पे अब हम बनाएंगे फ्राई अंडा, और थोड़ा कम खाएंगे जितना हमने दो दिन में खा लिया उस लिहाज से। और ये है मेरा नाश्ता, एक चाय का कप, तो दूध पत्ती है, चाय नहीं है, ब्रेड का स्लाइस, अंडा, और साथ थोड़ा सा मीठा। डाइटिंग का रूल नंबर 1, कभी भी अपने आप को भूखा नहीं मारना। अगर आप कुछ सारा दिन कहेंगे मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं खा रहा, आप रात को चीट करेंगे। इसलिए अपने आप को तरसाना नहीं है, पूरा खाना खाना है, पेट भरा रखना है। जब पेट भरा होगा तो फिर आपको भूख ही नहीं लगेगी, तो आप खाएंगे ही नहीं और आप चीटिंग ही करेंगे। अब देखिए, मैंने आज कम खाना है, लेकिन मेरा नाश्ता फुल फ्लेज है, उसमें हर चीज़, उसमें अंडा है, उसमें टोस्ट है, उसमें कार्ब्स है, उसमें दूध है, उसमें मीठा है, केक है। तो केक ना हो तो कोई बिस्किट हो जाता है, इस तरह कुछ ना कुछ मीठा भी एक क्वांटिटी में मैं लेती हूँ। इसलिए कभी अपने आप को चीज़ तरसाएँ मत, क्योंकि अगर आप तरसाएँगे तो 4-5 दिन तो शायद आप कर लें, उसके बाद आप कभी भी वो डाइट फॉलो नहीं करेंगे। तो अब मैं निकल रही हूँ वॉक के लिए, क्योंकि मैंने 2 दिन कोई वॉक नहीं की और बहुत ज़्यादा खाना खाया है, जैसे कि मैंने सुबह बताया था। तो अब मैं फिटनेस को लेकर अपनी सीरियस हो गई हूँ फुल, मैंने वॉच वॉच पहन ली, और अब मैं जा रही हूँ वॉक पर, और फिर आपको आके अपडेट करती हूँ, क्योंकि आके मैंने फिर करना है कज़न की अपनी डांस प्रैक्टिस / ढोलकी के लिए तैयार होना है। तो उसके लिए देखते हैं फिर किस तरह तैयार होते हैं। अभी चलते हैं वॉक पे, थोड़ा वजन शजन कंट्रोल करते हैं, बल्कि मैं क्लिप्स भी लगा दूँगी जितना मैंने खाना ठूसा है सैटरडे संडे को, अगर मुझे कोई मिलती है तो। ग्रेजुएशन की तो लगा दी, उसमें पूरा बुफे था, वो सारा तो मैंने खाया ही खाया था, उसके अलावा घर में जो मैंने खाया था वो भी आप लोग देख सकते हैं। अब मैं निकल रही हूँ वॉक के लिए, और ये है ऑल चीज़ पिज्ज़ा जो मैंने अकेले खाया था, इसके अलावा भी बहुत कुछ खाया था, लेकिन क्लिप्स नहीं है उनकी। तो जैसे मैं वॉक से निकली, उसे लेयर्स खा रहा था, तो मैंने भी उससे ये वाली कुकी ले ली, लेकिन मैंने बहुत कम क्वांटिटी में ये खाई ताकि वेट गेन ना हो। इसलिए हर चीज़ अगर आप लिमिटेड खाएं तो वेट गेन नहीं होता। अच्छा जी, तो अब मैं वॉक के लिए घर आ गई हूँ, मैंने रेस्ट भी कर लिया, थोड़ा सा पानी शानी भी पी लिया है, चाय भी पी ली है, सुकून भी आ गया बॉडी को। तो अब बस तैयार होना है मेरी कज़न की डांस प्रैक्टिस के लिए। अब देखती हूँ कि मेरे पास 2-3 ऑप्शन थे, उनमें मैं क्या पहनती हूँ, तैयार होती हूँ। बाल, आपको पता है मैंने जो ग्रेजुएशन के लिए वेव्स की थी अभी तक वही हैं, उनको मैंने बंद कर लिया था अच्छी तरह वॉक पे जाने से पहले, ताकि ये ख़राब ना हो। तो बस यही बाल चलाऊँगी, क्योंकि आपको पता है हीट से बाल इतने ख़राब होते हैं। तो आपने भी अगर कहीं जाना हो
तो बार बार ना बनाएं, बस कोशिश करें कि जो पहले बनाए उनको ही चला लें। अगर आपको बहुत टाइट कर्ल्स पसंद है तो इसके ऊपर ही थोड़ा सा एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, लेकिन दोबारा से अपने बालों को हीट ना दें क्योंकि बाल बहुत ख़राब होते हैं। तो मैं अपने बालों को बहुत ख्याल करती हूँ क्योंकि आपको पता है कि बाल एक दफ़ा ख़राब हो जाए तो दोबारा फिर आने वाला सीन बहुत बुरा और बड़ी मुश्किल से आते हैं। तो इसलिए मैं तो अब बस इसी बालों को चलाऊँगी। मैंने इस हफ़्ते मैंने पूरे मुझे काफ़ी काम है, मैंने 5-6 जगहों पर जाना है, तो मैं कोशिश करूँगी जब तक मेरे बाल फुली ऑयली ना हो जाए मैं इन्हीं को चलाऊँगी और बाल नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बालों को सबसे पहले तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि अपने बालों को डैमेज से बचाएं। तो चलें अब तैयार होते हैं और फिर मैं तैयार होकर आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, तो कपड़ों के लिए हमारे पास एक ये दरमियाने सीज़न का कोट है, इसकी ऑप्शन है क्योंकि ये सर्दियों में मेरे बिल्कुल काम नहीं आया, ये इसी सीज़न में पहना जाता तो ये पहन सकती हूँ। यहाँ ये बहुत प्यारा लाइलैक सा स्वेटर है, लाइलैक सा स्वेटर है, ये बहुत क्यूट है, ये नया है, ये पहन सकती हूँ। यहाँ ये लॉन्ग स्वेटर है वाइट और इसके ऊपर बटन्स हैं, ये भी काफ़ी क्यूट है। तो मुझे अब समझ नहीं आ रही कि मैं इसमें से क्या पहनूँ। इसको यूज़ करने का मेरा मूड है क्योंकि ये कोट है और ये सर्दियों में काम नहीं आता, इसी मौसम में काम आता है, तो देखते हैं। और मैंने मेकअप कर लिया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं, बाल खोलूँगी, उस दिन कर्ल्स किए हुए थे, बस बाल खोलूँगी अब। ये जो है मस्कारा मेरा थोड़ा सा ऊपर लगा हुआ है, इसको ठीक करती हूँ और फिर तैयार होकर आपके सामने आती हूँ। तो सबसे पहले मेरी ऑप्शन ये थी, मैंने मॉकनेक पहना था और साथ नीचे ट्राउज़र्स पहने थे, लेकिन ऊपर पहले मैंने ये स्वेटर पहन के देखा था लॉन्ग, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छा और रीसेंट है, लेकिन मुझे ये इतना कोई ख़ास पसंद नहीं आया। फिर मैंने दूसरा वाला पहन के देखा था वाइट कोट के साथ ब्लेज़र टाइप, तो मुझे ये वाली लुक ज़्यादा अच्छी लगी थी। हालांकि नीचे वाले दोनों के मॉक नेक और पजामा सेम ही था, लेकिन ऊपर से मैंने ये चेंज किया। आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी? हुसैन, ये तुम किस तरह बैठे हो या लेटे हुए हो? लेटा हुआ हूं। ऊपर टी शर्ट, नीचे हीटर, वॉटर लाइफ। कर क्या रहे थे तुम अभी टीवी पे? पीएसएल की सर्विस देख रहे हो। कैसी है? सही है। अब तक आपको पता चली कि अगर हुसैन के किड्स ऑब्सेस्ड अगर आपको पता नहीं चला तो ओपन कर दो पीएसएल को। बाबर आजम, हेलो। जितने पैसे हैं बजट में नहीं उतने। यहाँ मैं आप लोगों को अपना क्लोजअप करके मेकअप दिखा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत सॉफ्ट था और बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ मैंने इशारा कर दिया कि चलते हैं अब। और ये है मेरी फुल लुक जो बड़ी मुश्किल से हुसैन ने माना दिखाने के लिए, और बिल्कुल सही नहीं दिखाई उसने। ऊपर आएंगे इसमें जो थे आगे वापस अपने। इतनी थकी थी, यहाँ पे मेरी बिल्कुल सिटी गुम हुई है, देख सकते हैं आप। फिर मैंने कॉफ़ी पी और अपने आप को थोड़ा रिफ़्रेश किया दोबारा। अब लीना और मैं यहाँ साथ मिल के गाने गा रहे हैं। और ये था जी खाना, आ गया। मेरी प्लेट भी देखेंगे, मैंने हर चीज़ ली है लेकिन थोड़ी क्वान्टिटी में, इसलिए खानी हर चीज़ अपने आपको तरसाना कभी भी नहीं है, लेकिन थोड़ा खाना।
और घर आके हमने अभी सिर्फ बैठी थी मैं और इतनी थक गई हूँ आज, मेरी बैटरी बहुत लो हो गई है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डांस प्रैक्टिसेस कराई हैं और मेरी कज़न जिस गाने पर डांस करा रही है वो डांस वाला गाना इतना मुश्किल था, इतना मुश्किल था, इतना मुश्किल था, वो हमसे इतना हो ही नहीं रहा था। हम 2-3 घंटे पहले वो प्रैक्टिस करते रहे, उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया, थोड़ी सी एनर्जी वापस आई, फिर हम लोगों ने भंगड़ा किया, डांस किया। अब डांस मेरा बहुत मज़े की वीडियोज़ बनाई हैं, लेकिन अगर मैं पोस्ट करूँगी मुझे साउंड का इशू आ जाएगा क्योंकि आपको पता है द वन एंड ओनली कॉपीराइट स्ट्राइक्स। तो अब देखते हैं कि मैं पोस्ट तो कर ही दूँगी लेकिन साउंड पोस्ट कर पाती हूँ कि नहीं। उसके अलावा दिन बहुत अच्छा गुजरा, सारा कुछ मैंने रिकॉर्ड किया है, वो आप क्लिप्स आपने देख ही ली होंगी, लेकिन बस अब दिन का करते हैं एंड। अब इस वक्त रात के 12:30 हो रहे हैं और अब आई थिंक ये सोना चाहिए। तो आज के लिए मेरी तरह से अल्लाह हाफिज़, आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।